अच्छा, एहतशाम में थोड़ी सी पैकिंग रह गई है बाकी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। देवरा, 5 मिनट रुक सकती हो? सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा। उसके बाद क्या होगा? जाने वाले को आखिर जाना होगा, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और देखो, परेशान बिल्कुल मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा हमेशा। खुदा हाफिज़। इश्क में कोई ढूंढ रहा है ख्वाहिश की सौगातें, अबू कहाँ हैं तुम्हारे? बाहर न्यूज देख रहे हैं। अरे, इस आदमी को सिवाय टीवी देखने के और कोई काम नहीं? बुलाओ, बात कराओ मेरी। कराती हूँ अम्मी। प्लीज, मैं वो ठीक ठाक मुकाबला भी कर पाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर भी टीम को ज्वाइन कर जाएंगे। अबू, अम्मी का फोन है। हेलो। हेलो, बेटी जा रही है आपकी? हाँ। तो क्या मिलना नहीं है उससे? क्या मिलना जरूरी है? तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? हानिया आपको बार बार पूछ चुकी है और नवाब साहब भी पूछ रहे थे। अच्छा, मैं आता हूँ। आप जल्दी तैयार हो जाएं, गाड़ी भेज रही हूँ मैं। ठीक है। अजीब ही आदमी, पता नहीं बड़ी सरकार से मिलके क्या चक्कर चलाती रहती है। चलो बेटा, तुम चलोगी हनिया से मिलने? नहीं, अब वो आप चले जाए। ठीक है बेटा। अम्मी, अबू कहाँ रह गए? मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ। फोन किया था, ट्रैफिक में फंस गए। तुम जाओ जाओ जाओ। बिकते नहीं बाजार में रिश्ते, जो चाहे वो दाम चुकाए। सारी अनाओं के सौदे हैं, जबर से किसको अपना बनाए। जी, गुलाम रसूल, ध्यान रहे कि कोई भी मर्द अंदर दाखिल नहीं हो पाए। जो हुक्म नवाब साहब, आप बेफिक्र रहिए। किसी भी तरह का कोई मसला हो तो फौरन हमें फोन कीजिए। जी सर। हमारा नाम दीपिका है और लोग हमें प्यार से भी दीपिका ही कहते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हमें हमारी बेगम साहबा के बारे में बता दीजिए। वो क्या है ना कि हम नवाब साहब से तो मिले मगर उनकी जौजा मुहतरमा से मिलने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ।
मिल लो अपनी बेगम साहिबा से। मैं सदके मैं वारी, माशाल्लाह मेरी मलका तो बड़ी प्यारी है, अल्लाह नजरे बस से बचाए, माशाल्लाह। मलका जी ये आपकी सहेली है ना? मैं इनकी सहेली भी हूँ और इनकी केयर टेकर भी। माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी हैं। पानी मिलेगा? पानी? अरे मैं आपको जूस पिलाती हूँ। बोले कौन सा जूस पियेंगी, सेब का, केले का या ऑरेंज का? बस तुमसे जो कहा जा रहा है वही करो। जो हुक्म। चलो आओ निम्रा, हम लोग कमरे देखते हैं। हाँ चले ना, मैं दिखाती हूँ, मैंने देखे सारे कमरे। तुमसे जो कहा जा रहा है ना बस वही करो। जी चलो। कैसा लगा तुम्हें यह कमरा? अच्छा है। निम्रा तुम अभी तक गमज़दा हो? देखो सब सही हो तो रहा है, आगे भी सही होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब देखो ना तुम, मैं, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर दीपिका के सामने राज खुल गया हमारा तो? हाँ उसे बताना होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हैंडल कर लूंगी। बस अब तुम अपना ये मूड सही करो, इस मूड में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। उसे देखो ना क्या है, दीपिका कितनी फनी है सुना डांस भी बहुत अच्छा करती है। लीजिए जूस हाजिर है। शुक्रिया। आपकी तबीयत ठीक है मलका? दीपिका हम लोग बहुत थक गए हैं। जी मैं जाती हूँ। बस अब तुम ये अपनी उदासी की चादर उतार दो। ये लो पियो। पियो ना। निम्रा मुझे लगता है कि कुदरत ने हमें आज तक इसीलिए साथ रखा है ताकि हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकें। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा मत सोचो। अम्मी? बाजी गई? हाँ चली गई। तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई ना कि बहन से मिली लो। अम्मी फार्म हाउस ही तो गई है, कौन सा मिल से बाहर चली गई है? वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी, अब डिलीवरी के बाद और सवा महीना नहाने के बाद ही आएगी और हम भी उससे वहां जाके नहीं मिल सकते। अब पता नहीं साईं जी के साथ मिलके क्या कर रही है। ए, क्या बकवास कर रही है? तेरे मुंह में जो आ रहा है वो बके जा रही है। मैं वो ही बोल रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा क्या नजर आ रहा है तुझे, मैं भी तो सुनू। बाजी क्या वाकई में प्रेग्नेंट है?
हाँ तो ये पूछने वाली क्या बात है? प्रेग्नेंट ही तो है जो निम्रा के साथ फार्म हाउस भेजा है। और निम्रा को क्या हुआ है? क्या बकवास कर रही है? क्या होगा निम्रा को? अम्मी मुझे लग रहा है निम्रा के साथ कुछ गलत हो रहा है। तेरे दिमाग का खलल है सारा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी बहन जरा फारिग हो जाए तो मैं फटाफट तेरी शादी वो नवाब के भांजे से करवा दूंगी। आप मेरी शादी की फिक्र नहीं करें, मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। तो माँ बाप को भी अपनी औलाद पर पूरा हक है, समझी? हक होता है, लेकिन धोखे देना, झूठ बोलना और दूसरों के साथ मिलकर साजिशें करना, ये कौन से हक हैं? बंद कर अपनी जबान, शर्म नहीं आती माँ के साथ बकवास करते हुए? अम्मी प्लीज, मुझे ये अपनी पीरी मुरीदी के चक्करों से दूर ही रखे तो बेहतर है। ए, एक बात कान खोल कर सुन ले, मैंने जो फैसला किया है ना, मैं उसी पे अटल हूँ। तेरी शादी होगी तो उसी के भांजे से होगी, बस। मैं भी देखती हूँ कोई मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे मेरी शादी करता है कहीं। हैं हैं हैं, क्या हो गया इस लड़की को? ये तो बिल्कुल हाथों से निकलती जा रही है। कैसा फील कर रही हो तुम? बेहतर है, अच्छी बात है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। बस अपना ख्याल से तुम्हारी डिलीवरी से फारिग हो जाना, तो मम्मी तुम्हारी शादी इंतजाम से करवा देंगे और सानिया की शादी नवाब साहब के भांजे से। नवाब साहब का कोई भांजा भी है? हाँ, नवाब साहब की बड़ी बहन है वहीदा आपका, कनाडा में रहती है, उन्हीं का बेटा। सानिया की तो किस्मत चमक जाएगी। मुझे एक बात बताऊं, मुझे ना वहीदा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी तेज है क्या? तेज कुरांट है कुरांट। तुम उनसे मिल चुकी हो? नहीं यार, बस एक दो बार ऐसी स्काइप पे बात हुई थी। स्काइप से तुमने अंदाजा भी लगा लिया कि वो कैसी है? लोगों का सेकंडों में पता चल जाता है। अब उनका लबो लहजा नवाब साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे तो उनकी सगी बहन ही नहीं लगती। सगी बहन नहीं है क्या उनकी? सगी बहन ही है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम इस घर का हिस्सा हो। तुम भी तो बहुत खुशकिस्मत हो, इस घराने का हिस्सा बनने जा रही हो। तनु नैन वाले पुल ते बुला के खबर मायके थे रह गया, तनु नहर वाले पुल ते बुला के खबरे। चूस तो बन ही गया। जानू सुन जरा, पलके तो था, तुझे तुझे से चुरा लूं, आ मेरे पास आ। ये निम्रा बीबी क्या हानिया बाजी बड़ी गहरी सहेली है। वैसे निम्रा बीबी है बहुत अच्छी, बिल्कुल मासूम भोली भाली सी लड़की। अरे तुम्हें क्या हो गया है? क्या खा के आई हो?
मैं आपसे पूछ रही हूँ। तुम अपने काम से काम रखा करो। आए हाय, इतना बड़ा गुस्सा। देख शबाना, ये औरतों पे मर्दों वाली शक्ति अच्छी नहीं लगती। आ उतार फेंक। हमें देखो, ना तीन में ना तेरह में, फिर भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं, जैसे परिंदे हवाओं में उड़ते और गाते रहते हैं। चल अब तो मुस्कुरा देना शबाश एक बार। पीछे हटो, तुम्हें समझ नहीं आती, जब देखो मजाक मस्तियां करती रहती हो। समय तो तू नहीं रही है, आई बड़ी जलाद में कहेगी। पता नहीं ये नवाब साहब ने भी क्या पाल लिया। बहुत भूख लग रही है मुझे तो। लीजिए मलका जी, स्पेशल चिकन हांडी हाजिर है। हाँ भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मतलब कि तुम कुकिंग अच्छी कर लेती हो। मुझे कुकिंग और डांस का बहुत क्रेज है। अच्छा, क्या क्या बना लेती हो? चाइनीज से लेकर पाकिस्तान सब कुछ बना लेती हूँ। गई। अरे आप लीजिए ना, ठंडा और है। हाँ। अरे तुम भी बैठो ना। जी हाँ हाँ बैठो। शुक्रिया शबाना, बैठ जाओ, आज हम सब मिलके खाना खाएंगे। प्लीज स्टार्ट करें सर। वाह, तुम्हारे हाथ में तो वाकई में टेस्ट है, खा के देखो ना। तो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है। शुक्रिया मलका, शुक्रिया आने बाजी, आपने मेरी तारीफ की। अरे शबो, सॉरी शबाना, आप भी लीजिए ना। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? ओहो शबो, ये क्या हालत मुंह लटकाए रखती है, क्या कोई तेरी कमेटी खा गया? हंसा कर, मुस्कुराया कर, खुश रहा कर, इससे ना टेंशन दूर हो जाती है। हाँ, ये टीवी केबल सही हुआ या नहीं? हाँ वो तार टूट गया ना, अब तो सुबह ही ठीक होगा। यार सुबह से टीवी नहीं देखा मैंने। आपको डांस पसंद है? तुम करोगी? हाँ बस ये खाने के बर्तन मैं धो लूं, तो उसके बाद मैं आपको अपना हिट आइटम सॉन्ग दिखाऊंगी। ओहो, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं भी खाऊं ना। अरे वाकई आज तो वाकई बड़े मजे का बना है।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना कि काफी दिनों से प्रैक्टिस जो नहीं की थी, इसलिए मैं सलाह पांतान पाक के सदके मेरी रानी बाजी गोद हरी भरी कर दे। आमीन। वैसे एक बात है शब्बो, इंसान चाहे कुछ भी कर ले, इन बड़े लोगों के साथ बैठकर खाना तो क्यों ना खा ले, पर रहता तो घर का मुलाजिम ही है ना। इसीलिए कहती थी अपने काम से काम रखा करो। ये जो मालकान होते हैं ना, इनके मूड का कुछ पता नहीं होता, कभी भी खराब हो जाता है। हाँ शबो, तू ठीक कहती है। गलती तो मेरी थी ना, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं इंसानों के काम आऊं, उनकी खिदमत करूं। रहने दो, देख ली तुम्हारी खिदमत है, जिस काम के लिए रखा है ना वही काम किया करो। हाँ शबो, तू ठीक कहती है। हेलो, क्या हो गया, क्या कह रही है तू? किसका फोन है? किसी का नहीं। एक मिनट, आप सो जाएं भाई, सो जाएं, सो जाएं। क्या दर्द हो रहा है? क्या खाया था रात को? अच्छा सुन, ऐसा करके वो पानी की गर्म बोतल होती है ना, उसे सिकाई कर ले। हाँ, जिस तरफ दर्द हो रहा है ना उससे दूसरी करवट पे लिटा। हाँ, मुझसे बड़ी गलती हो गई, एक डॉक्टर ने भी साथ भेजनी चाहिए थी। अच्छा इस वक्त क्या करूं? चल जो कह रही हूं ऐसा करके तो देख। हाँ सुबह मैं साईं से बात करूंगी। तू एक काम कर, वो तू भी नवाब साहब से कह के एक डॉक्टर की जरूरत है, बुलवा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे देख मुझे बहुत परेशानी हो रही है इस वक्त, थोड़ा सा दर्द कम हो जाए या ठीक हो जाए ना तो मुझे कॉल कर लेना, बहुत सख्त परेशानी हो रही है, बड़ी टेंशन हो गई भाई इस वक्त। चल ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ खुदा हाफिज, तो जो कह रही हूँ वैसे ही करना। अच्छा हाँ खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है। नवाब साहब। हानिया, सब खैरियत तो है ना? जी जी सब खैरियत है। तो फिर इतने रात को आपने फोन कैसे किया? वो मेरे पेट में बस हल्का सा दर्द हो रहा था, मैंने सोचा डॉक्टर से चेकअप करवा लूं। जी जी बिल्कुल, मैं बस अभी डॉक्टर साहिबा को भिजवा रहा हूँ। नहीं अभी नहीं। हानिया आप फिक्र ना करें, डॉक्टर साहिबा एक घंटे में आपके पास होगी। नहीं इतना भी पेन नहीं हो रहा, बस हल्का सा है, इन दिनों में तो होता है ना। तो अब क्या करना है नवाब साहब? वो मैं चाह रही थी कि कल अम्मी डॉक्टर को लेके आ जाती और हर हफ्ते मेरा यहीं पे चेकअप हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं होगी।
जी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम कल सुबह ही बड़े साईं से बात करके डॉक्टर साहिबा को भिजवा देंगे। आपका मुसलसल चेकअप भी होता रहेगा और सूरत हाल भी वाजे रहेगी। जी बस मैं यही चाह रही थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? दर्द है? हाँ बस थोड़ा बहुत तो होता है। तो फिर प्लीज प्लीज हानिया आप आराम कीजिए। इसके इसके अलावा तो कोई तकलीफ नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इतनी रात गई आपको तकलीफ थी मैंने। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारी जिंदगी हैं और जिंदगी का ख्याल किसे नहीं है। चलें अब आप सो जाएं। अच्छा अब आप अपना ख्याल रखें और आराम से सो जाएं। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। कहाँ चले गए? दर्द कैसे है? वैसे आराम से। ये लो तुम ऐसे सिकाई करो, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। नवाब साहब से भी मैंने बात कर लिया, सुबह तक डॉक्टर भी आ जाएंगे। अब बस तुम सोने की कोशिश करो, आराम करो। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्यास लग रही थी। रुको मैं देती हूँ। अब डैड कैसे है? बेहतर है। एक काम करो, जिस साइड पे तुम्हें दर्द हो रहा है ना, उसकी दूसरी करवट से लेट जाओ। तुम्हें किसने बताया? मम्मी ने। अच्छा। और हाँ अगर तुम्हें जरा सा भी पेन हो तो तुमने फौरन मुझे कॉल कर। और हाँ एक बात और, सुबह उठ के तुमने गर्म पानी से नहाना, फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लेने और गर्म चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी, समझी? अच्छा डॉक्टर साहिबा। हाँ हाँ डॉक्टर साहिबा भी सुबह में आ जाएंगे। बस तुमने अपना ख्याल रखना है। मैं अपने रूम में चलूंगा। तो ख्याल रखना है तुमने। हेलो हेलो निमरा। हाँ एहतिशाम बोलो। सो रही थी? नहीं तो। अच्छा हानिया माजी की तबीयत खराब है क्या? हाँ वो हल्का सा पेन था, अब ठीक है। अच्छा अम्मी तो सुबह से परेशान है, रात में फोन आया था कि उनकी तबीयत खराब है। हाँ निमरा हानिया बाजी का ख्याल रखना। निमरा मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि तुम्हें बता भी नहीं सकता। मामू बनने वाला हूँ मैं, बस अल्लाह से दुआ है कि भांजी हो जाए। मुझे बेटियाँ बहुत पसंद हैं। हाँ। बेटियों से ना घर में रौनक होती है। वैसे तो मुझे बेटा ही पसंद है, लेकिन अगर बेटा मुझ जैसा हो तो। हाँ निमरा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?
वो अभी अभी उठी हूँ ना, इसलिए। अच्छा सब कुछ छोड़ो, तुमने फार्म हाउस देखा? कितना बड़ा है ना, और कितना खूबसूरत भी। पता है हम सब आ गए, बहुत मजा किया, बहुत तफरी की। हानियाबाजी फारिग हो जाए, मैं और तुम भी चलेंगे, बहुत मजा करेंगे, देखना बहुत तफरी होगी। निम्रा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही हो? पता है ना अभी अभी उठी हूँ इसलिए। ओह आई एम सॉरी यार, सुबह सुबह तुम्हें जगा दिया ना, सो सॉरी प्लीज। बाद में बात करें। ओके तुम सो जाओ, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्यार में सब है फरे। मैं लगा दूं आपको ये? आप बार बार घड़ी क्यों देख रही हैं? डॉक्टर को लेके जाना है, गाड़ी का इंतजार करेंगे। नाश्ता कर ले आराम से, गाड़ी भी आ जाएगी। अरे नहीं करना मुझे नाश्ता, मुझे अपनी बेटी की फिक्र पड़ी हुई है और आप बार बार नाश्ते का कह रहे हैं। मैं जब तक उसको देख नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं होगा। तो फिर नवाब साहब को फोन करके पूछ ले के गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई। आप बोले जा रहे हैं बेटी की जरा फिक्र नहीं। मेरे फिक्र करने से क्या हो जाएगा? आपके नवाब साहब ने भी पता नहीं क्या सोच के हानिया को वहां भेज दिया। अरे भाई बच्ची जो है ना वो उम्मीद से है, ऐसी जरूरत में शहर में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो वहाँ फार्म हाउस पे कैसे मिल सकती है? अब जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती हमेशा रहेगा ये चक्कर। कभी अच्छा मत बोलिएगा, अच्छा बस मुझे ही कसूरवार ठहराए आप। अरे आपसे तो इतना ना हुआ कि बेटी से मिल लें, ये तो अगर मैं उसे गाड़ी ना भेजती तो हानिया बेचारी बगैर मिले ही चली जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतनी जल्दी क्या है, ट्रेन छूटी जा रही है तुम्हारी? हाँ बेटा आप नाश्ता आराम से करते हैं। अब सुबह आँख नहीं खुलती अब्बू, तो ऐसे ही होता है। तो बेटा जल्दी सो जाया करो, और तुम तो जल्दी सो जाती हो ना। जी अब्बू वो रात को ना फायजा का फोन आ गया था तो उसी से बातों में लग गई मैं। फायजा का फोन आ गया था? यकीन नहीं आता तो उससे पूछ लेना आप खुद। मैं क्यों पूछूं? और एक बात कह रही हूँ तुम्हारे बाप के सामने, कि हानिया फारिग हो जाए ना तो मैं तुम्हारा भी रिश्ता कर दूंगी। अम्मी प्लीज मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरा मुंह खराब मत करें आप, चाहे जिंदगी खराब हो जाए। हैं आप बिना ना तो वक्त देखती है ना मौका, बस शुरू हो जाती है। बाड़ में जाएं आप लोग। ये फोन आ रहा है। हेलो। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी वो साईं साहब से मेरी बात हो गई है और उन्होंने इजाजत भी दे दी है, बेशक आप डॉक्टर को फार्म हाउस ले जा सकती हैं। बस बेटा तुमने कह दिया ना, अब तुम फिक्र ना करो मैं देख लूंगी। मैं जानता हूँ। अच्छा आप तैयार रहिए, हमने गाड़ी आपके यहाँ भिजवा दी है। अरे मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। एक और चीज आंटी, आप डॉक्टर साहब से कह दीजिए कि फीस की उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, विजिट हफ्ते में एक बार हो या फिर रोज रोज, फीस हम उन्हें एडवांस में ही भिजवा देंगे। क्यों नहीं, पूछ लूंगी मैं। और अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। ठीक है ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जी गाड़ी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं? अब वो बेटा हानिया की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी अम्मी वहाँ डॉक्टर को लेके जा रही हैं।